हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। अरे यार एक मिनट रुकना, एक फोन आ गया। हेलो कौन? सिद्धू बाजी। ओ सिद्धू बाजी बोल रहे हैं भाई, लंदन से। हाँ जी बाजी बोलो। अरे स्टार भाई, मेरा एक न्यू हॉलैंड का हार्वेस्टर खड़ा हुआ है भाई स्विट्जरलैंड के अंदर, उसको जल्दी से लेके आओ लंदन में। मुझे खेती शुरू करनी है, हार्वेस्टिंग करनी है मेरे को। अच्छा सिद्धू बाजी, अभी लेके आता हूँ। तो सुन लिया गाइस आपने, तो वेलकम टू स्टार्स गेमिंग चैनल, और मेरा नाम है स्टार, और आज मैं चलाने वाला हूँ ये ट्रक। और भाई आज न्यू हॉलैंड 1090 को लेके जाना है सिद्धू पाजी के फार्म हाउस पे लंदन में। तो चलो यार शुरू करते हैं इसको जल्दी से, और चलते हैं फटाफट से क्विक जॉब के अंदर, और सिद्धू पाजी का न्यू हॉलैंड सर्च करते हैं कहाँ है। तो ये है भाई सिद्धू पाजी का न्यू हॉलैंड का हार्वेस्टर खड़ा हुआ है, CR10.90, 16-18 टन का भाई, 18। तो इसको लेके जाना भाई यहाँ डोवर में, और किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, लंदन के अंदर। चलो भाई स्विट्जरलैंड के अंदर चलना है, और इसको उठाते हैं फटाफट। आगे सिद्धू पाजी बस में, आप रुको 10 मिनट। तो भाई ये आ गया अपना न्यू हॉलैंड का, अरे यार एक मिनट इसको हटा दो जरा। तो ये है भाई न्यू हॉलैंड जो हम इस्तेमाल करते हैं फार्म सिमुलेटर के अंदर, और इसको लेके जाना है आज। और ट्रक को देख लेते हैं भाई जरा। अरे यार का पंगी हॉर्न लगा रखा भाई, अच्छा सा हॉर्न तो लगाते, और देखते हैं एक बार ट्रक को अंदर से। अरे यार रुक तो जा, ये तो भागे जा रहा। तो ये अभी आज हमें मिला स्कैनिंग का ट्रक, और इसके अंदर देखो कितना बकवास है यार, GPS भी नहीं लगा रखा। तो GPS नहीं है भाई, ले GPS हमें खुद लगाना पड़ेगा, अपना नेविगेशन तो हमें लगानी पड़ेगी। और ये आ गया भाई अपना ट्रक। और हाँ ये है भाई न्यू हॉलैंड का हार्वेस्टर, इसको छोड़ना है। चलो फिर छोड़ देते हैं यार, जल्दी देर किस बात की। और भाई नेविगेशन, अरे यार सॉरी नेविगेशन नहीं है भाई, लगानी पड़ेगी। चलो इसको पहुंचाना है आज, सिद्धू पाजी कह रहे हैं फटाफट लेके आ जा भाई। और काफ़ी लंबा है भाई, इसको जरा लंबा सा कट मारूंगा। आ गया भाई बाहर। तो पिछली बार एक और हार्वेस्टर था उसको लेके जाना था, लेकिन वो दिक्कत हो गई कि वो जॉब तो निकल गई मेरे हाथ से। अरे आराम से भाई, एक मिनट भाई पीछे भी देखना पड़ेगा यार, बहुत ही लंबा है ये। ओह इधर को जाना, चल 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 चल। अरे ब्रेक भाई, 18 टन का वजन बहुत ज़्यादा है, क्या हुआ? अरे ट्रक को क्या हो गया? अबे ट्रक चल ही नहीं रहा भाई, ये अड़ गया था क्या? देख रहे हो कितना लंबा है, इतना सही सा काटा है फिर भी देखो गड़बड़ कर रहा है भाई। तो इधर को मोड़नी है यार, चलो देखते हैं यार बाहर का नज़ारा कैसा है, पीछे आगे कौन है देखो। तो ये हार्वेस्टर वही है भाई जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, और इसको आज पहुँचाना है मेरे को लंदन में। और लाल बत्ती अभी हो रखी है, ये सारे रुक क्यों गए हैं? ओ भाई ट्रैफिक जाम हो गया, तो एक काम करते हैं निकाल लेते हैं इसको जल्दी से। बत्ती हो गई अपने, इंडिकेटर लगा दूंगा। वो लाल गाड़ी वाला आ रहा है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई, मुझे जाने दे पहले, तू रुक जा अभी, तो बाद में जाइयो, क्योंकि वो अगर घुस जाता तो फिर दिक्कत हो जाती। तो स्कैनिया का ट्रक दिया यार, अरे यार भाई ट्रक तो कुछ अच्छा देते जिसके अंदर GPS तो होता। बताओ इसके अंदर GPS भी नहीं, GPS होता तो मैं अंदर से ही चलाता इसको, मैं इसको बंद कर देता भाई ऐसे, लेकिन अब क्या करें, लगाना ही पड़ेगा इसको। तो चलो छोड़, चलते हैं इसको लेके। और सिद्धू बाजी को कोई अपना काम शुरू करा है उन्होंने नया, हार्वेस्टिंग वेस्टिंग करनी होगी, हेल्पर को देना होगा या खुद चलाएंगे पता नहीं, देखते हैं। तो कौन से फार्म हाउस पे पहुंचाना है इसको, जल्दी से ले चलेंगे भाई फटाफट, देर किस बात की है, मौसम भी सुहाना हो रखा है, और अभी भाई टाइम भी शाम का है, अभी रात, ओह भाई रास्ते में रात भी हो जाएगी। और हाँ इसको शायद शिप में, या फिर अब ये शिप में ही जाएगा भाई, क्योंकि रास्ते में तो पानी है। तो ट्रेन हो सकता है, ट्रेन भी चलती हो अंडरग्राउंड स्विट्जरलैंड से, तो देखते हैं क्या होगा आगे चल के। मुझे तो लगता है पानी होगा, तो देखते हैं जरा भाई इसको बाहर से एक बार। ये आया भाई अपना, ये न्यू हॉलैंड, देख न्यू हॉलैंड का हार्वेस्टर का बढ़िया लग रहा भाई, येल्लो कलर का। यार ये मुझे बोल देना सिद्धू भाजी, तो मैं ना इस हार्वेस्टर के ऊपर भाई कस्टम कलर कर देता बहुत बढ़िया सर, अपनी लोगो भी लगा देता स्टार्स गेमिंग की। लेकिन भाई सिद्धू भाजी फिर नाराज़ हो जाते शायद, उनको शायद पीले रंग का पसंद होगा। तो फ़ोन भाई अभी तो मैं आराम कर रहा था, पिछली बार मैं कुछ सामान छोड़ के आया था और रेस्ट कर रहा था, इतने में फ़ोन आ गया भाई, अब मुझे इमरजेंसी में भागना पड़ रहा, देखो क्या करूँ। और स्कैनिया की स्पीड भी अच्छी है, देखते हैं कितनी स्पीड पे पहुंच जाता है, 102 तो हो गई है भाई। और यहाँ पे आ चुका है ख़तरनाक सा कट, इधर को मोड़ देंगे फटाफट से। हट जाओ भाई, हट जाओ भाई, थके हुए ट्रक को हट जाओ। ओए वीटस पावर, ओए पावर तो है नहीं तेरे के अंदर, चला क्या रहा तू इसको। ओ भाई एक और कट आ गया आगे, ओह भाई 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 भाई, भाई, भाई। कट खतरनाक है, चलो काट देंगे कोई बात नहीं। ओए वीटस पावर हट जा, पेट्रोल भरवा ले चल।
तो यार एक मिनट यार, शीशे तो लगाए नहीं। हाँ इसको लगा लेते हैं भाई, साइड के शीशे से नज़र नहीं आता, ऐसे सही है। ओके मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है भाई, देखो ये बादल हो रहे हैं मीठे मीठे से, बढ़िया बढ़िया से आए में। चढ़ाई भी इसकी ऐसी जैसे हो रही है, बहुत हैवी है भाई ये, बहुत भारी होता है। आपको पता हार्वेस्टर में बहुत जान होती है, और हार्वेस्टर नीचे भी गिर सकता है क्या? नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है क्या? एक मिनट भाई, दोनों तरफ से बराबर बाहर है। नहीं भाई फिट कर रखा है एकदम, देखो फिट कर रखा है, बांधा हुआ भाई, देखो हिल नहीं सकता वो अपनी जगह से, बिल्कुल फंसा के रखा हुआ है। और धूप छांव का मौसम हो रहा है भाई, कभी धूप हो रही है कभी छांव हो रही है, देखो अगर ध्यान से तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा हो रहा है। भगाते हैं यार इसको फटाफट, यार काश इसको चला भी सकते, मज़ा आता है इसके अंदर। तो देखते हैं, कोशिश करेंगे अगली बार कोई ट्रैक्टर का मोड या ओहो भाई, ओ भाई टुक टुक, भाई पीछे देखने के चक्कर में, ओ भाई शुक्र है पेट्रोल का टैंक लेके जा रहा था भाई, फटा नहीं। चलो अब तो ये निकलेगा भी नहीं मुझे लगता, अब वो गाड़ी वाला आ गया ये। टाइम वेस्ट टाइम वेस्ट टाइम वेस्ट, ट्रक वाले रुक जा, आप कहाँ जा रहे हैं? अबे उसको तो निकलने दे ये, और देखो ट्रक वाले को कितनी जल्दी हो रही है। अबे यार अभी गाड़ी वाले को टक्कर मारने वाला था वो। चलो यार इसको भगाते हैं जरा, तो यहाँ पे रोड रिपेयर हो रहा था। अच्छा ट्रक वाला खड़ा हो गया था भाई, क्योंकि आगे गाड़ी आ गई थी। शुक्र है यार उसका तेल लीक नहीं हुआ, नहीं तो वो पकड़ लेता मेरी गर्दन से, मेरी गर्दन पकड़ के कुट देता मैंने फड़ के। ओके भाई बच गया ना तू, चल ठीक है शुक्र मना कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ ज़्यादा खतरनाक, थोड़ा बहुत डैमेज तो भाई सड़क पर चलोगे तो होगी। तो भगाते हैं इसको यार, अभी हमें जाना है 839 किलोमीटर, भाई बहुत ही लंबा सफ़र है, और शायद सफ़र कम हो जाएगा क्योंकि हमें जाना है पानी के अंदर, तो जो पानी के अंदर का सफ़र होता है वो शायद कट जाता है, माइनस हो जाता है। देखते हैं इसको एक बार बाहर से जा रहा है ये, इधर 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 इधर, भाई कहाँ जा रहा है भाई? सड़क पे चलाएंगे इसको फर्स्ट क्लास का, काट देंगे। ओ भाई आगे, ओ भाई पुलिस का पंगा हो रखा है, पुलिस से पंगा हो रखा है, पुलिस ने बंदे पकड़ रखे हैं, पैसे खा रही होगी भाई, कहेगी अब इंसान भाई गलती करते हैं तो पुलिस को तो काम में पकड़ना ना, तो बाहर के देश में पुलिस बेफालतू नहीं पकड़ती, वैसे ही अगर आप गलत काम करोगे तो पकड़ेगी ज़रूर। और अब निकला ये धूप बहुत ही अच्छी सी, ओ भाई 5:25 हो गए यार, अंधेरा होने वाला है 7 बजे के आसपास, 2 घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा। और मेरे साइड में आ चुका है बहुत ही बढ़िया खेत, कनोला लगी हुई है शायद, और भाई ने अभी काटी नहीं है, पक रही है अभी, अभी वो पीली से पकने के बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्राउन सा, फिर काटेगा भाई। चलो अपना भी मोड़ आ गया भाई, काटते हैं इसको। ओ सिद्धू बाजी बस मैं पहुंच गया, बस 5 मिनट दे दो मेरे को, एक मिनट भाई को आ जा, इधर तो नहीं आ रहा, चलो ठीक है। हाँ तो रहा था एक ट्रक भाई, पल मैंने निकाल लिया, काफ़ी लंबा है भाई ये, देखो बहुत लंबा है भाई देखो, क्योंकि ये आगे भी तो जगह रखी, आगे पता नहीं किस चीज़ की जगह छोड़ दें ये, और पीछे भी काफ़ी जगह छोड़ी हुई है भाई ने। भगाते हैं भाई इसको, ट्रक थोड़ा सा और हैवी देना चाहिए था भाई, किस वॉल्वो का ट्रक देते हैं या स्कैनिया का ट्रक देते हैं टॉप मॉडल, तो वो चलता कम से कम 100-150 की स्पीड पे, 100 तो चलता ही है, मतलब 150 चलता तो और मज़ा आता, फिर हार्वेस्टर को हम फटाफट ठिकाने लगा देते, पहुंचा देते। चलो भाई हार्वेस्टर पहुंचाओ सिद्धू पाजी के पास जल्दी, और आगे वो भाई जलेबी सी आ गई, आगे जलेबी रोड आ गया, वहाँ पे जलेबी तलनी पड़ेगी, वहाँ पे घुमाना पड़ेगा इसको अच्छी तरह। नेविगेशन चल रही है अपनी, और गियर लगा हुआ है अभी 1:11। ओ भाई घुमाना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ से नीचे कूदाने का भाई, यहाँ से अगर रास्ता होता ना नीचे कूदाने का तो मैं यहीं से कूदा देता, लेकिन अफसोस अभी रास्ता कोई है नहीं। चलो यहीं से निकालते हैं इसको, रोड बहुत प्यारे हैं यार, मक्खन रोड है मक्खन। ओ भाई कट आ गया, काट देंगे लंबा सा, या कट मारा भाई। ओ यार टोल टैक्स आ गया, ओ भाई मेरे पास नहीं है पैसे, कंपनी देगी, सीधी सी बात है, तो यहीं पे जाना पड़ेगा भाई, साइड में तो निशान नहीं लगा टोल टैक्स। चलो भाई टोल टैक्स भरो यहाँ पे, लो भाई, ओ भाई फ्री का, तो कंट्री के अंदर ही है तो इसलिए पैसे नहीं लगे, जब मैं दूसरी देश में जाऊँगा दूसरी कंट्री के अंदर एंट्री करूँगा तो लगेगा टोल टैक्स, फिर भाई कागज़ भी चेक होंगे, मेरे पासपोर्ट भी चेक होगा, और मेरे पास पासपोर्ट भी है स्विट्ज़रलैंड से इंग्लैंड का,
तो लंदन में जाना भाई इसको लेके। चलो आज लंदन की सैर भी करते हैं, वहाँ पर तो भाई ट्रैफिक उल्टा चलता है इंडिया के जैसे, क्योंकि जो अपने इंडिया के रोड हैं भाई अंग्रेज़ों ने बनाए हैं, तो ऐसे अपने रोड अंग्रेज़ों के हिसाब से, इंग्लैंड के हिसाब से। ओ भाई कट मारना था यहाँ से, एक सेकेंड, इंडिकेटर की आवाज़ देखो। ओ यार फंस गया, देख रहे हो देख रहे हो। अरे चल भाई पीछे कर इसको, इतने आराम से काट रहा हूँ फिर भी भाई थोड़ा और लंबा लेके काटना पड़ेगा। हाँ चल इधर को आ और अब काटते हैं उसको, अब कटेगा ये भाई। पीछे वो फंस गया था, काफ़ी लंबा है यार, इसको ध्यान से चलाना पड़ेगा। थोड़ा सा अंदर चलाते हैं एक मिनट इस तरफ से। हाँ कट गया कट गया कट गया भाई, जले भी। देखो मैंने बोला था ना रोड देख रहे हो कैसी कैसी सड़कें बना रखी है भाई। चलो निकाल देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्सपर्ट ड्राइवर हैं यार। तो इसमें क्रूज मोड भी होता है क्या? क्रूज मोड ऑन हो गया, इसमें क्रूज मोड नहीं चलता क्या? क्रूज मोड होना चाहिए यार इसके अंदर, कोई बोल रहा था लेफ्ट माउस से होता है, देखते हैं चलता है। नहीं भाई नहीं चल रहा, क्रूज मोड इसमें नहीं ऑन होता भाई, सी से नहीं होता, सी से सेंटर हो रहा है और राइट माउस से भी नहीं हो रहा। इसमें क्रूज मोड नहीं है भाई, अगर है तो बताना कौन से बटन से होता है, कंप्यूटर के अंदर पीसी के अंदर। और अभी तो इस ट्रक की ऐसी जैसी हो रखी है, देखो बहुत ही बुरा हाल है इसका, 58 पे खींच रहा भाई सिर्फ, और मेरे पास से गाड़ियां भगे जा रही है, मेरा दिल फुकाए जा रही है। देखो भाई इसको हटा लेंगे, इसको हटाते हैं यार फिर अच्छा लगेगा। अब आ रहा है ना मज़ा देख चलाने का, तो इसको चलाते जरा आगे से ऐसे। तो भाई लाइट जगा लो, लाइट जगा ली भाइयों ने भाई, शाम होते ही देखो 6 बजते लाइट ऑन कर लेते हैं सारे। और मेरे पीछे आ रही हैं दो बड़ी प्यारी प्यारी बसें, उनको मैं आगे जाने नहीं दूंगा क्योंकि भाई मुझे भी तो जाना है। 70 पे आ गया भाई। ओए ओ भाई 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 अंदर अंदर चलाओ इसको जरा, पीछे आ रही बस भाई देख लेता हूँ, बसें अभी तो दूर है। लो भाई रात हो गई यार, रात का सफ़र नहीं मज़ेदार यार, नजर नहीं आता, वो अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है यार, फिर चश्मा लगाना पड़ता है रात को। वैसे तो मुझे चश्मा नहीं लगा अभी, लेकिन मतलब दूसरा चश्मा लगाना पड़ता है मन के अंदर से, यानी कि रात को देखने के लिए भाई बहुत आँखें खुली होनी चाहिए, कान और आँखें। चलो भगाते हैं इसको, लाइट अभी नीचे की रखते हैं, अभी तो बंद ही कर लेते हैं, आई मीन्स पार्किंग में पार्क लाइट जगा लेते हैं अभी, क्योंकि अभी तो इतनी रोशनी है अपनी, अंधेरा नहीं हुआ। इसको हटा ही लेते हैं यार, मज़ा नहीं आ रहा, ठंड लगता है यार देखने में। हाँ ये सही है, अब हुई इसकी स्पीड भाई 114 की, बस इससे ऊपर नहीं जा रही यार, थका हुआ ट्रक दे दिया भाई, 18 टन का माल दे दिया है और ट्रक दे दिया है स्कैनिया का बेकार सा, दो पहिए आगे दो पहिए पीछे। यार कम से कम अच्छा सा ट्रक तो देते जिससे भाई स्पीड होती बढ़िया सी। अब मैं फोड़ने वाला हूँ इन गाड़ियों को जो मेरे आगे जा रही हैं, देखता हूँ इनसे आगे निकालने वाला हूँ मैं, हट जाओ ए, हॉर्न मारता हूँ। ओ भाई तो पुलिस की गाड़ी जा रही है, बच के बच के बच के भाई, पकड़ लेगी नहीं पकड़ेगी भाई, हिंदुस्तान के ड्राइवरों को कुछ नहीं कहती बाहर की पुलिस, जैसे मर्जी चलाओ। अब जा रहा हूँ मैं 118 पे भाई, देखते हैं कितनी स्पीड होती है इसकी टॉप की। अब मैं जाना फुल स्पीड के ऊपर, देखो सिद्धू पाजी को लेके आई, मैं सिद्धू पाजी का हार्वेस्टर लेके, सिद्धू पाजी आगे मैं, बस तुसी 2 मिनट रुको, तुसी बस चाह पियो और मैं हूँ आया। ओ हट जाओ ओए ओए, क्या ट्रक चलाने नहीं आता तुम्हें, जब देखो 75-80 पे चला के बोर करते रहते दूसरे बंदों को। हट जाओ ये भाई, ओ ये वही वाला ट्रक आ गया जिसको मैंने ठोका था। ओ भाई कट आ गया बड़ा तगड़ा, ओ भाई बोड़ दे भाई, क्या कट मार दिया मैंने कसम से, बहुत ही गदर था। चलो भाई अब करते हैं अपनी साइड, देखते हैं पीछे जरा, कोई नहीं है चलो निकालते हैं इसको, हट जाओ भाई हट जाओ। अब बनी कोई स्पीड 121 की भाई, यार ये गाड़ी वाले ने तो परेशान कर दिया, बीच में चला रहा, इसको पता है कि मेरी स्पीड इतनी है तो वो अपने आप ही पीछे कर लेता है। यार ये क्या जा रहा है डब्बा साहब, इसमें क्या लेके जा रहा है भाई, भाई उसके अंदर क्या था, वो कैसा ट्रेलर था भाई डब्बा सा। चलो कुछ होगा उसके अंदर भी, और रात हो चुकी है भाई, चलो लाइट जगाते हैं थोड़ी सी, रोशनी हो जाएगी, अपने भाइयों को कुछ नज़र तो आएगा।
देखते हैं जरा बाहर से, ये भाग रहा है अपना। और अभी लेते हैं एक छोटा सा नज़ारा, बहुत ही प्यारा प्यारा। ये गया अपना हार्वेस्टर, ये योग जा रहा सर। देखो ये देखो भाई, लगता पटरे के ऊपर ही चढ़ जाएगा। आराम से भाई, आराम से। अरे यार अंदर से चलता है भाई, स्पीड बहुत ज़्यादा है और दिक्कत होने का पूरा चांस है। और यहाँ पर पड़ी हुई है बेल इतनी सारी बना बना के, बंदे का निकल गया तेल। देखो बेल भी सुपर सॉलिड बनाई है, मतलब बड़े साइज की। अब उठाने के लिए भाई गया हुआ है अपना ट्रैक्टर लेके, और लेके आएगा फ्रंट लोडर लगा के, फिर बेल उठा उठा के डालेगा। यहाँ पे लकड़ी भी काट के रखी हुई है भाई ने, काफ़ी लंबा भाई का काम चल रहा है यहाँ पे। भाई खेत है बंदे का तगड़ा सा, और ये ट्रक वाला मेरे आगे भगाया जा रहा है, और सूरज की रोशनी आँखों में पड़ रही है बहुत तगड़ी। हट जा भाई हट जा, अब मैं नहीं रुकने वाला। अबे हट जा भाई, तेरे को बोला ना, क्या करता रहता है। तो शुक्र है यार सीधे ही जाना है, अगर कट मोड़ना होता तो दिक्कत हो जाती भाई। कहाँ है वो, पीछे आ रहा, आने दो आने दो। आ जा बेटा आ जा। अबे यार स्पीड कम हो गई, स्पीड भाई चढ़ाई आ जाती है ना बस, फिर ट्रक की एजिटेशन लग जाती है। लेकिन अगर एक बार स्पीड बन जाए ना भाई, फिर इसको रोकना ओहो हो इम्पॉसिबल बिल्कुल। देख 114 100, अबे यार स्पीड कम हो गई, कम होने लगी, चढ़ाई सी आ गई थोड़ी सी हल्की सी। इससे पहले कि अंधेरा हो जाए भाई बहुत ज़्यादा, मैं फटाफट इसको लेके पहुंच जाऊं। तो जो ट्रक मेरे पास है भाई, कैनेडियन ट्रक, उसके साथ तो कोई हैवी कार्गो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि जहां पर मैं मेरा गैरेज है वहां पे सब थके हुए कार्गो मिल रहे हैं। तो वहां पे अगर कोई अच्छा सा कार्गो मिलेगा अगली बार, तो फिर मैं अपने ट्रक से चलाऊंगा। यार अपना कनाडा का ट्रक चलाने का तो मज़ा ही अलग है, वो भी वोल्वो का भाई, 1100-1500 हॉर्स पावर के आसपास उसका इंजन है, मज़ा आया था भाई। 150 की स्पीड पर जाता है, और ये देखो 118-120 पे इसकी ऐसी तैसी हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको 150 पे करूँ, लेकिन भाई ये 120 से ऊपर जा ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ। इसकी मैक्सिमम स्पीड लगता है इतनी ही भाई, आगे तो बहुत सारा ट्रैफिक आ चुका है। अब मैं हॉर्न मार मार के परेशान हो रहा हूँ इनको, और ये साइड देने की कोशिश। भाई एक काम करते हैं, यहीं से निकालते हैं, क्योंकि ये हटेंगे नहीं। अब मैं निकालने वाला हूँ, देखो इतनी जगह है इसमें कि मैं साइड से भी आराम से जा रहा हूँ। देखो भाई देखो, हट जा भाई हट जा, सिद्धू बाजी का अगर हार्वेस्टर तुमने पलटा दिया ना तो छोड़ूंगा नहीं, एक को फोड़ के रख दूंगा भाई। हार्वेस्टर के अंदर एक बिल्कुल भी रगड़ नहीं पड़नी चाहिए, अगर रगड़ पै गई तो भाई फिर सिद्धू बाजी ने गुस्सा आ जाऊंगा, मैनु भांजन के फड़के। इसलिए भाई रगड़ नहीं डालनी उसके अंदर। हट जाओ ए SUV, अब चलानी नहीं आती इतनी हाई भाई गाड़ी लेके, और इतनी स्लो स्लो चला रहा है। मुझे दे दे, रेल बना दूंगा इसकी रेलगाड़ी, बुलेट ट्रेन बना दूंगा इसको, 350 की स्पीड में लेकर जाऊंगा भाई। गाड़ी वाले की जान निकल रही है, कह रहा भाई इतना बड़ा ट्रक जा रहा है साइड में कर लो, कहीं भाई इसने छींक दिया तो मैं तो उड़ ही जाऊंगा भाई। ट्रक की छींक भी, ट्रक अगर छींक भी देना गाड़ी के पास जाके, तो भाई गाड़ी का तो इंजन पिंजन नहीं मिलता यार। ये देखो इन दोनों को, देखो इन दोनों को, देखो क्या मस्ती कर रहे हैं रोड के ऊपर। देखो हटो पीछे भाई, दोनों एक अट्ठी गाड़ी चला रहे, रेस लगा रहे हो क्या। अबे साइड में तो कर लो, पीछे से इतना हैवी माल आ रहा है, हैवी लोड आ रहा है, तो तुम हटा नहीं रहे भाई। अब मैं भगाने वाला हूँ इसको फुल स्पीड पे, रात हो गई है अब, रात भाई सुबह होने से पहले पहले पहुँचाना है। उन्होंने सुबह 6 बजे हार्वेस्टिंग शुरू करनी है, पता नहीं क्या लगाया उन्होंने, वीट बाली और क्या लगा रखा है मुझे नहीं पता। वहाँ चल के, अगर वहाँ चल के पता लगेगा, नज़र आएगा, तो भाई फिर मज़ा आएगा। लेकिन इसमें ये नहीं होता यार, ये माल बस डिलीवर वहाँ पे छोड़ना है और फिर ख़त्म, यार ये मज़ा नहीं आता। ऐसा होना चाहिए भाई, जब मैं इसको डिलीवरी कर दूँ उसके बाद मैं इसके पास जाके देखूँ ये कहाँ लेके जा रहे हैं हार्वेस्टर को, फिर ये कहाँ से। ओ भाई पल्ले साइड में पुलिस, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, अबे रुक जाओ ट्रक, ओए मैं नज़र नहीं आ रही इधर को, इतनी स्पीड पर गाड़ी आ रही है, बीच में गुजर रहा। तो मैं ये कह रहा था कि मैं इसको देख पाता कि काश ये हार्वेस्टर लेके कहाँ जा रहे हैं, इससे कौन सी कटाई कर रहे हैं, आई मीन कौन सी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, किस फसल की। भाई साहब ट्रक को देखो, मैंने तो अभी ट्रक को देखा, अबे ये डब्बा सा फिर आ गया भाई। यो हटने वाला नहीं है, इसके बीच में से निकालनी पड़ेगी भाई, ठोकता चलूंगा सबको, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रक को देखो भाई, 100,000 किलोमीटर चल चुका है ये ट्रक। ओ भाई 100,000 किलोमीटर तक चल चुका है, और इतना मतलब इसका इंजन अभी, इसलिए मुझे लग रहा है इसके इंजन में इतनी जान नहीं है यार, अब ये नहीं हटाएगा, हट गया। ओ भाई क्या समझदार बंदा था, बहुत ही बढ़िया भाई, थैंक यू तूने हटा ली, नहीं तो अभी तेरा कांड कर देता। तो ट्रक 100,000 किलोमीटर चल चुका है ये, अगर नया ट्रक होता ना तो इसके अंदर और जान होती, इसका इंजन घिस चुका है, लगता है इसके पिस्टन और रिंग वगैरह डलवानी पड़ेंगी।
वैसे तो धुआं नहीं मार रहा अभी, लेकिन फिर भी स्पीड कम है। करते हैं भाई अब हाईलाइट करते हैं कि यार, क्योंकि अभी रोड पे लाइट कम है। हट जाओ भाई, हट जाओ। गड्डी जाती है छलांगा, और यार छलांगा सवाह मारनी सी, छलांगा तो खत्म ही हो गया इतने भाई। ये आ गया टोल टैक्स, और इसके पीछे लगाते हैं गाड़ी वाले के, इसके पीछे से निकाल देता हूँ, देखता हूँ निकल जाएगा कि नहीं। ओ भाई बड़े चालू हैं यार ये, कह रहा है मैं कोशिश कर रहा था ये निकल जाती। और चल भाई चल भाई, कह रहा है $147 दे ये बगैर काम भाग रहा है, वो भी यूरो, यूरो देने यूरो। लो भाई ये यूरो है, पाउंड है क्या? अबे चल ना एंटर मार तो दिया। लो भाई एम्प्लॉयर ने पैसे दे दिए, मेरे जेब से कुछ नहीं कटा, शुक्र है यार मेरे पास तो थे भी नहीं, मेरे जेब में तो 10 रुपये पड़े हैं बस। उसकी एक चाय पीऊँगा अभी बढ़िया सी, तो क्योंकि भाई स्विट्जरलैंड के अंदर और इंग्लैंड के अंदर बहुत ठंड होती है, तो चाय कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती रहती है। चलो यार निकालते हैं, अभी तो कोई नहीं आ रहा अपने आगे पीछे, कौन है देखें, ये आ रहा है ट्रक से। ओए ओए क्या नहीं है, हट जा भाई, मान नहीं रहा। ओ भाई कितनी स्पीड पे आ रही है, तो स्पीड देखो बंदे की। ओ भाई हटेगा नहीं तू, मानेगा नहीं। लो भाई उसने तो साइड में ही कर ली, तुमने साइड में कर लिया, अच्छा हमें इधर को जाना है यार। चल जा बेटा बच गया आज तू, नहीं तो अभी मैं तेरे को बताता कि इंडियन ड्राइवर कैसे होते हैं। चलो निकालते हैं भाई इसको, काफ़ी बंदों को मैंने फोड़ दिया पीछे, अब जो हटेंगे नहीं साइड में तो उनका क्या करूँगा। रात हो गई भाई 9:52, 10 बजने वाले हैं रात के। ओ यार भाई रात का सफ़र नहीं मज़ेदार, रात को बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ती है भाई, क्योंकि सावधानी हटी और ड्राइवर की फटी, ऐसी तैसी एक्सीडेंट हो जाता है। और सॉरी यार गलत वर्ड नहीं बोलना चाहता हूँ मैं, गलत वर्ड नहीं बोला मतलब ड्राइवर की ऐसी तैसी, रात को बहुत गाड़ी ध्यान से चलानी पड़ती है भाई। रात को पता नहीं चलता कि गाड़ी अपने दूर से देखो तो ऐसा लगता है कई बार कि गाड़ी पल्ले रोड पे है, जब पास आती है पता लगता है कि भाई अपने बिल्कुल सामने ही था। तो फिर क्या होता है, फिर हो जाती है दोनों ड्राइवरों की पप्पी, तो पप्पी वो बहुत महंगी पड़ जाती है कि भाई दोनों ड्राइवर ठुक जाते हैं भाई, और उनकी गाड़ी का हो जाता है नुकसान। और कई बार भाई आपको पता है इतने तगड़े तगड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं कि भाई कई भाई अपनी जान भी खो देते। तो रात को भाई गाड़ी चलाओ तो बहुत सावधानी से चलाओ, और कोशिश करो कि रात का सफ़र अवॉइड ही करो भाई, रात को जाने नहीं है सुबह चलेंगे, क्योंकि सुबह भाई दिन में सब कुछ आराम से दिखता है। आराम से चलो और अपना ध्यान से चलाओ गाड़ी, 80-90 से ज़्यादा मत चलाओ, मैं तो चलाता हूँ 120-150 पे, क्योंकि यार अब आदत पड़ी हुई ना गंदी। ओ यार मुझे नींद भी आ रही है देखो, हो अब मुझे सोना पड़ेगा, तो एक काम करता हूँ यार मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, है ना, सो जाऊँगा तो दिन हो जाएगा तो अपनी गाड़ी सही चलेगी। चलो अभी देखता हूँ आगे एक पेट्रोल पंप आने वाला है शायद, तो वहाँ पे रोक लेंगे, कोई पार्किंग वार्किंग मिल जाए। इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी रोक ली पेड़ के नीचे और खेत के अंदर भाई सो गए ना, इसमें भाई ऐसा नहीं चलेगा, इसमें तो पार्किंग चाहिए प्रॉपर, तब जाके सो सकते हो। काटता हूँ भाई यहाँ से बढ़िया सी, और भाई साइड में देखो क्या लगा हुआ है, फसल लगी हुई है, कनोला शनोला ओट वोट, और ये जा रही गाड़ी, इसको हटा दूंगा पीछे कर दूंगा भाई को। तो भाई ये भी तेल का ट्रक, तेल का टैंकर जा रहा भाई 125। अरे भाई मैंने स्पीड तो नोट ही नहीं करी, 125 पे जा रही है गाड़ी भाई, धका धक। देखो और नीचे पुल देखो क्या टेढ़ी मेढ़ी सी, जलेबियाँ पकी हुई हैं, जलेबियाँ बनी हुई हैं, पकी नहीं हुई हैं, अभी मुझे पकानी पड़ेंगी। तो पहली बार जा रहा हूँ भाई मैं इस रूट के ऊपर। तो पहले यार मैं दुबई भी जाता था, मेरे पास दुबई का भी एक मैप था बहुत बढ़िया, वो मैप ढूंढना पड़ेगा मुझे। मैं दुबई में मैंने बहुत ट्रक चलाया और काफ़ी लंबे लंबे रोड थे भाई, 5,000 किलोमीटर का रूट होता था, मतलब माल लोड किया और फिर जा रहे हो बस जाते ही जा रहे हो, एंड कब होगा कोई पता नहीं, रास्ते में 10 बार सोना पड़ता था। तो भाई नींद भी आ रही है मुझे, फटाफट देखता हूँ कोई मिल जाए तो हट जाओ ये गाड़ी वाले भाई, नहीं तो ठुक जाएगा तू, दोनों ट्रक के बीच में तेरी चटनी बन जाएगी, वो भी बिना पुदीने के। तो चलते हैं यार इसको भगाते हैं, अब हमें राइट जाना भाई, राइट जाना है, इंडिकेटर लगा देंगे भाई, कभी कभी तो इंडिकेटर चलाना चाहिए, नहीं तो भाई ख़राब हो जाएगा उसका इंडिकेटर के बाद देखो। ओ यार ये तो ठुकवा के छोड़ेगा, इसको भी जाना, लेकिन मैं इससे पहले निकाल लूँगा ये, उसको ठोक दिया। इंडिकेटर तो बंद कर लो। ओ यार यो के जा रहा है, इसकी साइड से निकाल लेते हैं यहाँ से। ओ भाई क्या हो गया, ओ भाई निकल गया अपना तो काम हो गया। ओ भाई फंस गया,
ओ भाई फंस गया, ये देखो ये भाई थोड़ा सा बाहर है ना, इस वजह से फंसता है। तो इसको ओ ट्रक वाले, रुक जा देख नहीं रहा। इंग्लैंड के सबसे करोड़पति बंदे सिद्धू पाजी का हार्वेस्टर लेके जा रहा हूँ और तेरे को नज़र नहीं आ रहा। एक कंप्लेंट कर दूंगा तो देख ले तेरा क्या हाल होगा, फिर समझ जा बस। तब पीछे ही रह आप थोड़ी देर, मेरे पास मत आइयो भाई। इतनी देर हो गई और कोई पार्किंग नहीं आ रही, मुझे सोना भी था यार, क्या करूँ भाई। बहुत लंबा सफ़र है आज तो, 322 किलोमीटर अभी और जाना है, और अभी मुझे जाना है सीधे। ओके पीछे ट्रक आ रहा है भाई, इंडिकेटर दे दो यार उसको, रुक जाओ। ठीक है चलो निकालते हैं यार इसको, और इधर से हाँ पुल के नीचे से अब लेते हैं, पुल के नीचे से एक नज़ारा प्यारा प्यारा सा। ये गया अपना हार्वेस्टर, पीछे ट्रक वाला आ रहा है ठोकने के मूड में लग रहा मुझे। बस भाई बहुत ज़्यादा नज़ारा भी सही नहीं होता, ऐसे ही ठीक है। तो भाई स्पीड 88 की हो गई यार ये तो। ओ टनल आ गई भाई, टनल आ गई, टनल नहीं है यार। ओ भाई ओ भाई ऊपर देखो जहाज, एयरपोर्ट है सड़क के ऊपर। अरे यार हिचकियाँ क्यों आने लगी भाई, मेरे को याद करे सिद्धू बाजी, हिचकी आ रही है मुझे बहुत तेज। सिद्धू बाजी कह रहे हैं सुबह होने वाली है और भाई हार्वेस्टर लेके नहीं आया। आ गया बाजी आ गया, मैंने आपके लिए सारे फाटक सिग्नल सब तोड़ दिए और मैंने कई ट्रकों को भी फोड़ दिए चक्कर में, देखो आपके लिए। तो अब बताओ इससे ज़्यादा क्या करो, उड़ के तो आ नहीं सकता, हेलीकॉप्टर के नीचे लटका के नहीं ले जा सकते इसको। भाई हेलीकॉप्टर लाओ, हार्वेस्टर को नीचे लटकाओ और सीधे उस भाई के फार्म हाउस पर ले आकर छोड़ दो। लो भाजी करो फटाफट हार्वेस्टिंग शुरू। लेकिन भाई ऐसा होता नहीं ना, देखो लाइट नीचे की करता हूँ तो आगे मुझे नज़र नहीं आएगा कि आगे क्या जा रहा है, तो ठुकूंगा ना मैं, इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखी है। तो अब तो मैं चलाने वाला हूँ अंदर से, और पीछे भाई इधर उधर कुछ नज़र नहीं आ रहा, अंधेरा ही अंधेरा यार। कोई पार्किंग ही नहीं आ रही भाई, मुझे सोना है यार। आ गई। जैसी मैंने बोला भाई मुझे दो पार्किंग नज़र आ रही हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। अब मोड़ते हैं इसको यहाँ से बढ़िया सा और सो जाते हैं वहाँ चल के। हट जा भाई हट जा, मुझे तो पहले ही हट गया, समझदार बच्चा था अपने आप ही हट गया। उसको पता है भाई नहीं तो ये मार देगा, ठोक देगा, पेल देगा, पहली साइड में कर लो। तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ओए बच के भाई का कट था, बच ही गया भाई। इंडिकेटर बंद कर ले, इंडिकेटर की आवाज़ कैसी है, पुड़चुक 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 पुड़चुक। अबे यार ये तो टोल टैक्स है। हाँ टोल टैक्स पे भी भाई तो मैं साइड से काटूंगा और भाई यहाँ पे सो जाऊंगा। हाँ यहाँ पार्किंग है, लो भाई कितने पैसे लोगे। अबे जब देखो टोल टैक्स करते रहते हो यार। ओह भाई कोई पैसा नहीं लगा, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे हो भाई, आप बहुत अच्छे हो। देखो एक भाई खड़ा हुआ वहाँ पे गुस्से में, इंडिकेटर दे दो भाई यार, यो केस है ये, क्या हुआ इन्होंने, देखो फाटक बीच में बंद कर दिया, ये क्या ग्लिच कर दिया भाई, देखो ये क्या हो गया। ओ भाई टोल टैक्स दे तो दिया, ओ भाई मेरा ट्रक फंस गया यार, ये तो पहली बार हुआ जिंदगी में। ओए यार ये क्या हो गया, ओ यार ये भाई पैसे दे के तो आया हूँ मैं अभी, एक मिनट एंटर मारते हैं। अरे भाई अब तो ये सेट ही, अब ये तो फंस गया। ओ भाई अब क्या करूँ, ओ भाई अब क्या करूँगा मैं यार, सच में यार ये क्या कर दिए इसने। एक मिनट पीछे भी नज़र तो नहीं आ रहा, और ट्रक वालों को भी देखो कितनी आग लगी हुई है, वह रुक नहीं सकते तुम पीछे, हैं पीछे चलो भाई, अब तो ये जॉब कैंसिल करनी पड़ेगी। ओ भाई उस ट्रक ने फंसा दिया यार, देखो ओ सच में यार मैं तो सीरियस प्रॉब्लम में फंस गया हूँ भाई, पैसे दे तो दिए थे, अब ये निकलेगा कैसे। ओ यार एक मिनट, ओ भाई नहीं नहीं भाई कैंसिल नहीं करनी इसको, एक काम करते हैं एंटर मारते हैं भाई। ओके अब भाई इसका एक ही रास्ता है, टोटो सर्विस निकालो भाई भाई मैंने पैसे दिए थे लेकिन उन्होंने कोई पैसा नहीं काटा, पीछे से ट्रक वाले ने पता नहीं क्या करा, मेरा ट्रक वहाँ फंस गया। ओ भाई लो
अच्छा मुझे नींद भी आ रही, देखो चलो भाई अब मैं रिपेयर नहीं करूँगा इसको यहाँ पे। रास्ता कहाँ पे निकलने का? अच्छा भाई सोने की जगह तो है यहाँ पे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे सो नहीं पाऊँगा क्योंकि ट्रेलर अपना बहुत लंबा है, तो इसको निकालना पड़ेगा मेरे को। चल यार ये ट्रक भी बहुत स्लो चलते हैं, इसको काटते हैं भाई इधर से। हाँ काट दे आराम से, चल 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 काट काट काट। अरे भाई इसको तो कर लो ऑन, अरे F5 करना। हाँ ओके, तो भाई टो सर्विस से मैंने, ओ भाई निकालते हैं इसको ज़रा। ओह पीछे ठुक गया, कोई बात नहीं, आ जा आ जा आ जा, निकल जाएगा निकल जाएगा। भाई गेट भी इतने छोटे छोटे बना रखे हैं और इतना लंबा ट्रेलर दे रखा है, देखो आ जा। इधर को फंस जाएगा भाई, फिर फंस जाएगा थोड़ा सा ट्रक। एक भाई थोड़ा सा इधर को काटना पड़ेगा। हाँ अब आ गया भाई, अब आ गया। चलो भाई निकालते हैं अब इसको बाहर, पता नहीं कौन सी कंट्री में आ गया, मैं अभी देखता हूँ मैं कौन से देश में हूँ अभी। रुक जा भाई रुक जा, बहुत लंबा ट्रक है। सेविंग, अच्छा तो फंस गया था भाई, पता नहीं मैं कैसे फंस गया उसके ऊपर, मुझे तो समझ नहीं आया। तो यहाँ से निकालते हैं इसको, अरे आ गया भाई। तो भाई मैंने टो सर्विस को बुलाया और मेरे पैसे भी ठुक गए भाई, पता नहीं कितने। अभी देखते हैं इसको, पहले ज़रा बाहर निकाल लें यहाँ से। ओके चलो भाई अब कितना रह गया भाई, 327 किलोमीटर। भाई मैं पीछे आ गया शायद थोड़ा सा। ओ भाई बस पता नहीं फंस कैसे क्या भाई, मैं इतने साल से ट्रक चला रहा हूँ इसमें, पर पता नहीं पहली बार फंस गया ये, पता नहीं क्या दिक्कत हुई। चलो अब मुझे सोना है बस, और कुछ नहीं करना। अब मुझे नींद आ रही है और मैं सो जाऊँगा, थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। अब मैं हूँ दरअसल कॉलोनी के अंदर, छोटे शहर के अंदर आ गया, मुझे अब बाहर जाना पड़ेगा मेन रोड पे। तो अभी हाईवे पे जाना पड़ेगा, हाईवे पे चलते हैं, यहाँ से निकालेंगे भाई को। आ जा भाई, हार्वेस्टर ना हो गया यार, आज हार्वेस्टर पहुँच नहीं रहा यार, क्या चक्कर इतनी देर लगेगी, मैंने सोचा नहीं था। एक काम करते हैं यार, यहाँ से इधर को तो जाना ही है, इधर को जाना है ना, अरे नहीं यार इधर को जाना है। यू आर गेटिंग टायर्ड, ओके भाई ओके, सोता हूँ अभी सोता हूँ अभी सोता हूँ यार। अबे यार इधर कोई जाना था भाई, गलत मोड़ दिया। देखा जल्दबाजी के चक्कर में भाई क्या क्या हो जाता है। एक मिनट यार, उधर तो जाने का रास्ता ही नहीं है, इधर कोई जाना था। चलो अबे यार ट्रक भी तो चलता नहीं है, ये ट्रक है ना थोड़े स्लो चलते हैं। हाँ इधर को काट, बस 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 इधर को। अरे गलत आ गया क्या? अरे हाँ भाई गलत आ गया, मैं इंग्लैंड में आ गया क्या? अरे यार कहाँ काट दी मैंने बताओ, अब तो मैं फंस गया, अब तो मैं लेट हो गया भाई। एक मिनट, अब तो भाई लंबे समय कट मार के जाना पड़ेगा। चलो यहाँ से काटते हैं, अच्छा वहाँ से उधर से चलते हैं यार सामने से। अब वहाँ से आना पड़ेगा, वहाँ से आके और वो उस कट पे जाना बताओ। ओह इंग्लैंड में आ गया मुझे लग रहा है मैं, भाई यहाँ पे रोड उल्टे हो गए। नहीं अभी तो यार इंग्लैंड में नहीं आया, रोड तो सीधे सही चल रहे हैं भाई, अभी यूरोप में ही हूँ मैं, अभी लंदन नहीं पहुँचा। काट दे काट दे काट दे, लंबा है भाई बहुत ही, हार्वेस्टर की ये जो ट्रेलर है भाई बहुत लंबा है। अब यहाँ से चलना है अपने को राइट, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी भाई बीच में। टुक टिक टुक टिक, हाँ अब आया मैं सही रोड पे, अब जाना है मेरे को सीधा सीधा। ओके तो पहले नहीं बता सकते थे, रॉन्ग गलत मारने जल्दबाजी के चक्कर में भाई ये हो जाता है। देखो ओ भाई अभी ट्रक वाला रुकेगा नहीं, देखो इसको रोकना पड़ेगा। रुक जा भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, मुझे जाना एंट्री मेरी है, रुक जा। रुक गया भाई, देखो कितना समझदार बनता, बहुत ही बढ़िया काम करा भाई तूने, थैंक यू तेरा। ओ यार यहाँ से मोड़नी थी, अच्छा यहाँ से कटती नहीं ना, अब बताओ ये क्या हो रहा है। अबे हो क्या रहा है सर्वेस्टर को, अपने आप ही टेढ़ा हुआ जा रहा भाई, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, बिल्कुल सीधा रोड के ऊपर है ये, अपने आप टेढ़ा कैसे हो गया था। ओ भाई लंबा ही काम ले लिया आज मैंने, 800 900 किलोमीटर का भाई।
चल भाई भगा ले अब फटाफट, अब कोई गलत काम नहीं करना यार। उस टोल टैक्स पे जब से मैं फंसा हूँ मेरी उसने खोपड़ी खराब कर दी, समझ नहीं आ रहा वो कैसे फंस गया। और मैं सारा ट्रक निकल गया था मेरा, बस पीछे से थोड़ा सा फंस गया था। अगर पीछे ट्रक नहीं होता तो मैं बैक कर लेता और बैक करके फिर मैं शायद पैसे दे देता। पैसे तो मैंने दिए थे लेकिन उन्होंने लिया नहीं, तो मैं मेरा क्या कसूर। और देखो मुझे लगता मैं वापस आ गया एयरपोर्ट के ऊपर, यहाँ ये दूसरा एयरपोर्ट आ गया, इसके ऊपर ही एयरपोर्ट था भाई, जहाज उड़ रहे थे देखो, लेकिन अभी तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा। जा रहा देखो देखो देखो, अरे यार दिखाया मैंने आपको अभी जहाज ऊपर से जा रहा था। चलो यार एरोप्लेन तो नज़र नहीं आएगा, इसके ऊपर है। अब मुझे लगता है मैं इधर से गया था वहीं से वापस जा रहा हूँ क्या, मुझे मेन रोड पे पहुँचना। हाईवे पे तो मैं आ चुका हूँ ऑलरेडी, और 300 किलोमीटर भी हो गया। अच्छा भाई कम तो हो रही है देखो, इसका मतलब हम सही रूट पे हैं, रूट अपना बढ़िया। तो अब मुझे बस सोना है, सो जाऊँगा एक बार तो रोशनी सी हो जाएगी, देखता हूँ कहीं सोने की जगह मिल जाए। मैं सोने तो लगा था वहाँ पे टोल टैक्स पे, लेकिन वहाँ तो ऐसा पंगा हुआ कि मैं नींद वींद सब भूल गया। उसके बाद मैंने एक गलत कट ऐसा मारा कि भाई फिर मुझे एक लंबा सा चक्कर मार के वापस आना पड़ा। तो चलो यार हो जाता है कभी कभी, भगाते हैं अब इसको। और अब भाई राइट को जाना है, चलो राइट को जाना है तो लगा देंगे इंडिकेटर। चिक पुक चिक पुक चिक पुक चिक, आवाज़ देखो क्या बढ़िया। हट जाओ, अब तुम दोनों इधर मुड़ोगे क्या, एक ही मुड़ेगा भाई। यू आर गेटिंग टायर्ड, यू शुड फाइंड ए पार्किंग प्लेस टू रेस्ट। ओके भाई अभी करता हूँ, अंग्रेजी मत मार ज्यादा। अच्छा मुझे भी पता है। और ये जा रहा है SAL, और चल भाई SAL क्या लिखा भाई, सिनिनैन भाई क्या लिखा है, सिनिनैन अरिंको लॉजिस्टिक्स, ये शायद यही लिखा है भाई। एक और टोल, ओहो एक और टोल टैक्स आ गया, इस टोल टैक्स पे फंसा था मैं शायद, ये वही वाला टोल टैक्स है भाई। देखो तो इतना लंबा, ओए इंडिकेटर तो दे रहा है लेट। देखो अभी मरवा दे, तो भाई यहाँ से निकालते हैं इसको और अब आराम से रोक के टोल टैक्स देते हैं। ओ यही यही जगह थी भाई जहाँ मैं फंसा था। अब देखो आपके सामने मैंने टोल टैक्स पे एंटर मारा, उन्होंने गेट खोला, मैंने ट्रक निकाला। अब बताओ इसमें मेरा क्या कसूर अगर मैं फंस गया। लो भाई हाँ चल चल चल, अबे यार इतना लंबा है निकलता भी नहीं जल्दी। तो अब मैं सोने वाला हूँ यहाँ पे, लाइट कर लेता हूँ नीचे और ट्रक को लेता हूँ इधर। अरे यार इधर चलना, एक मिनट यार बैक कर लूँ थोड़ा। चल 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 बैक करो। भाई यहाँ पे है सोने की जगह, सोने की जगह यहाँ पे है, तो चांदी की कहाँ है, हीरे जवाहरात की कहाँ है, ये सोने की जगह है यहाँ पे। तो यहाँ पे सो जाते हैं, अपना ट्रेलर सीधा से लेके आते हैं इसके ऊपर। ओ भाई ये देखो इतना लंबा पहले ही खड़ा हुआ। अरे भाई मुझे ज़रा बाहर से नज़ारा लेना पड़ेगा। लिया भाई लिया, तो पहले इसको बैग लिया और उसको थोड़ा आगे लेके चल, काट दे। चल अब काट दे तो कट जाएगा, अभी भी फंसेगा भाई। थोड़ा और सीधा लेना पड़ेगा। उस ट्रक की लाइटें जगवा दी मैंने। अबे यार ये ट्रक कटता क्यों नहीं, और रुक जाओ टैंटे मत कर, खड़ा रहे आराम से, नहीं उतर कर पीट दूंगा नहीं। अच्छा ओके इधर को काटो भाई, उसका ड्राइवर आने वाला है अब उसका ड्राइवर अब तो आके मुझे पीटेगा ही। आगे करो एक मिनट यार, इसका स्टीयरिंग जरा इधर को काटूं। अब चल। अबे भाई मेरी आंखें बंद हो जा रही नींद के कारण, और ये ट्रक वाला बीच में फंसा के खड़ा हुआ है। हाँ आ जा इसके ऊपर ले लिया। बस भाई यहाँ पे आके सो जाएंगे बस। अरे अभी नहीं सो रहा, अभी सो क्यों नहीं रहा भाई इसके ऊपर, ये सारी मुसीबत मुझे ही होनी है क्या आज। चल वापस, चल अब तो सो जा। मैं सो जा भाई, एंटर मारते हैं। अबे सो ही नहीं रहा भाई ये तो। ओ भाई क्या दिक्कत है, ये सो क्यों नहीं रहा।
लश्कर पीछे करना पड़ेगा। ओके अब देखते हैं, अभी भी नहीं सो रहा यार, बहुत ही ढीठ है यार ये, बताओ यार क्या करूं। पीछे करते हैं और एक बार, चल यार ये पीछे भी नहीं होता पीछे। यू आर गेटिंग टायर्ड बट देर इज़ नो प्लेस टू स्लीप। चलो करो और बैक, इस ट्रक वाले को लगता हटाना पड़ेगा। भाई उसके ऊपर तो लगा दिया, अब क्यों नहीं सो रहा। अरे बस एंटर और सो जा। ओ यार ये क्या चला दिया रेडियो पे, नहीं चलाना भाई, सो ही नहीं रहा, मतलब मैं क्या करूं। उस ट्रक वाले को निकालना पड़ेगा क्या वहाँ से, यहाँ यहाँ पर एक ही ट्रक लग सकता है सर, मुझे लगता है यही है। थोड़ा पीछे करता हूँ भाई, मैंने बिल्कुल परफेक्ट पार्किंग करके वहाँ पे सो गया था, उस ट्रक वाले को टक्कर भी मार दी मैंने, लेकिन वो हट ही नहीं रहा। चलो वो नहीं हट रहा तो हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन हमारा ट्रक ड्राइवर क्यों नहीं सो रहा ये नहीं समझ आई। हाँ, देखो 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 अब आया, अब बताओ इसमें और इसमें क्या फ़र्क हो गया। ओ भाई आखिरकार मैं सो ही गया। लो भाई सवेर हो गई, अब चलते हैं इसको स्टार्ट करते हैं। वो ट्रक वाला तो अभी आया नहीं है, इससे पहले कि वो आए हम भाग जाएंगे यहाँ से। निकाल ले भाई आराम से। ओके चल भाई चल। ओ यार शुक्र है दिन हुआ। चलो इसको निकालते हैं यार, लाइट कर लेते हैं बंद। अभी भाई 257 किलोमीटर जाना है। चलो यार इसको लेके चलते हैं जल्दी जल्दी। ट्रक भी ऐसा दिया भाई, स्पीड ही ना बन रही। भाई डाल दे यार पहला गियर जल्दी से। यहाँ पर क्या हो भाई, यहाँ पर थी पार्किंग बढ़िया सी, यहाँ पर सो जाना था यार। देखो एम ही मैंने वहाँ पे जोर लगाया, देखो ओ यहाँ पे देखो कितनी अच्छी पार्किंग थी भाई। देखो कितने सारे ट्रेलर आराम से खड़े होकर सो रहे हैं, आई मीन ड्राइवर। देखो ट्रेलर खड़े होने की जगह देखो कितनी सारी है, बहुत बेकार जगह थी। टोल टैक्स वालों ने एक तो पैसे भी ले लिए, ऊपर से फिर सोने की जगह भी सही तरह नहीं थी। 243 किलोमीटर जाना भाई, अभी तो बहुत ही दूर है, और ये हार्वेस्टर पहुँचने का नाम नहीं ले रहा भाई। दोपहर के, ओ भाई 3 बज के दोपहर के, ओ सिद्धू भाई गुस्सा आ गया। अब उन्होंने म्यूजिक चलवा दिया पीछे से, कह रहे स्टार लेते ले गाने गाना चला दिया, जल्दी से लेके आ रहा हूँ। आ रहा भाई जी, म्यूजिक बहुत अच्छा है आपका ये। अब चला म्यूजिक, तो जब भी डिलीवरी लेट होती है तो म्यूजिक आता है, क्योंकि म्यूजिक से मिलता है आपको मोटिवेशन मिलता है आपको गाड़ी तेज भगाने का। तो गाड़ी भगाते हैं फटाफट तेज। मेरे हॉर्न की आवाज ही चली गई, मेरा हॉर्न ही नहीं बज रहा। ये म्यूजिक कौन बजा रहा मुझे बता दो, मेरे ट्रक में तो कोई घुस के बैठा नहीं हुआ। हार्वेस्टर के अंदर तो नहीं बोल लोग छुपे हुए। हार्वेस्टर के मुझे लगता है जहाँ पर उसकी स्टोरेज है ना, वहाँ पे कुछ लोग छुपे हुए हैं बाजे बुजे लेके, वो बजा रहे ये। भाई 200 किलोमीटर पहुँच जाएंगे 200 किलोमीटर भी पहुँच जाएंगे। जब भाई 900 किलोमीटर आ गए तो 200 क्या है, और वो देखो क्या चक्की चल रही है वहाँ पे भाई ने लगा रखी, बहुत बढ़िया। देखो तो कितनी बड़ी है यार, देखो भाई हो। और इस ट्रक वाले को भगाते हैं। चल भाई एरिया कौन सा एरिया तेरा, आ गया मैं, हट जा, मेरे म्यूजिक चल रहा बहुत तगड़ा बेटा, मुझे समझ नहीं आ रही इस टाइम तेरी आवाज़ भी सुनने दी मुझे। और ढलान आ गई 119-20 थी कि देखो क्या स्पीड बढ़ी फटाफट 124-25। अब म्यूजिक सुना बढ़िया से, देखो फिर चढ़ाई आ गई। अबे चढ़ाई चढ़ाई क्यों दे रही हो, नीचाई दो ताकि मैं जल्दी से पहुंच जाऊं। रेलिंग के साथ साथ भगाएंगे इसको, पहुंच जाएंगे फटाफट। सिद्धू पाजी इंतजार कर, आज तो छित्तर भाई कोट भाई भाई। ओ भाई पुलिस जा रही, ध्यान से पुलिस वाले से बच के चलना चाहिए भाई, पुलिस वाले को तंग नहीं करना चाहिए, उसको सैड मांगे तो सैड दे दो, नहीं तो चलान ठोक देगा भाई $1,000 का। भाई यहाँ पे डॉलर नहीं चलते, यहाँ पे यूरो चलते, यूरो तो यूरो महंगा होता है डॉलर से। चलो यार कब आएगा ये सिद्धू भाजी का फार्म हाउस, कहाँ चला गया भाई, लगता रब की धुन्नी चला गया, समझते हो रब की धुन्नी मतलब भगवान की, ओ भाई भगवान की नाभि के अंदर। यार एक और टोल टैक्स, इन टोल टैक्स ने मुझे बर्बाद करके रखा हुआ। चलो गाड़ी वाले हट, जल्दी निकल। ओ गंजे कैसा है तू, ओ गंजिया
देखो भाई गंजा खड़ा है यहाँ पे एक बहुत बढ़िया। ओ गंजे बाजी की हाल है? गंजे बाजी बिजी है, बात नहीं कर रहे, नाराज है, लगता है घरवाली से लड़के आए हैं। एंटर। ओ भाई 44 पाउंड। और रुक जा भाई, एंटर तो कर दे। देखो पैसे दे दिए मेरे एम्प्लॉयर ने, सिद्धू बाजी कितने दलेर बंदे हैं, देखो पैसे दे दिए। टोल टैक्स सिद्धू बाजी दे रहे भाई, मैं नहीं दे रहा हूँ आज। भगाते हैं यार इसको, ये तो भाग ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ। सिद्धू बाजी अगली बार भाई अच्छा सा ट्रक देना, या गंजा सा ट्रक मुझे नहीं चाहिए ऊपर से, लगता है इसकी टांट निकली हुई है, लगता है ये पिछले गंजे को देख के इसके भी बाल उड़ गए। अच्छा सा ट्रक होना चाहिए यार, कम से कम 150 की स्पीड वाला तो होना चाहिए। भाई ये म्यूजिक बंद कर दो, मुझे हॉर्न नहीं सुन रहा अपना, सुन रहा है बहुत ही हल्का। चलो भाई म्यूजिक तो चलता ही रहेगा अब। वैसे तो सोना नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन भाई जब आइकन आ गया रेड तो भाई सोना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर गाड़ी ठुक जाएगी और बार बार पुलिस चलान काटते रहेगी, क्योंकि बाहर के देशों में रूल होता है, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में 8 घंटे 10 घंटे से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकते, वहाँ पर पुलिस आपको फॉलो करती है, पुलिस पूरा ध्यान रखती है कि ये ड्राइवर आ रहा है तो भाई कितने घंटे इसने गाड़ी चलाई है, सारा पूरा उसके पास स्टैट, आपका पूरा स्टैटिस्टिक उसके पास होता है पुलिस के पास। तो कई देशों में तो 4 घंटे गाड़ी चलानी पड़ती है, मतलब 4 घंटे से ज़्यादा आप गाड़ी नहीं चला सकते, उसके बाद आपको 1 घंटे का रेस्ट चाहिए, चाय वाय पियो, कॉफ़ी पियो, जो खाना पीना है और आराम करो, फिर उसके बाद गाड़ी चलाओ। तो भाई अलग अलग देशों में अलग अलग रूल हैं, लेकिन हमारे देश में कुछ नहीं है भाई, आप यहाँ 24 घंटे चलाओ, 48 घंटे चलाओ, 36 घंटे चलाओ, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि भाई अपना देश तो अपना ही होता है, तो यहाँ पर कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन टेंशन ये होती है कि जब ये कट आ जाते हैं बड़े बड़े, तो फिर भाई गाड़ी को आराम से मोड़ना पड़ता है, भाई आराम से मुड़ जा। ओह यहाँ से जाएंगे हम, ओके ओके ओके, याद तो नहीं रहा, ओके कोई नहीं यार, चलो काटे फटाफट इसको। ओ भाई क्या कट मार दिया अब इधर को, चल भाई चल, ये हाँ तो गए भाई, यार ये इतना लंबा है भाई, ये फंस जाता है, मुझे हिसाब से काटनी पड़ेगी लगता। भाई हार्वेस्टर पहली बार छोड़ रहा हूँ भाई, मुझे हार्वेस्टर छोड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, अभी मिल जाएगा। एक मिनट भाई, ये क्या है? ओ भाई ट्रेन में जाएगा ये, तो मुझे इसको वहाँ पे लेके जाना है। ओके एक मिनट, ये बस यहाँ से भी जा सकते हैं। ओके एक मिनट भाई, यहाँ काटना पड़ेगा बढ़िया सा। आ जा आ जा आ जा, सीधा सीधा सीधा। ओ यार ये बहुत लंबा है, थोड़ा लंबाई पीछे से काटना चाहिए यार, चलना पीछे तो मुड़ता भी नहीं है यार, ये भी दिक्कत है। चलो इधर को मोड़ो, ट्रेलर दे रखे हैं बड़े बड़े, रोड बना रखे हैं छोटे छोटे, अब ठोको क्यों जा रहा है यार, कंपनी का ट्रक है हमारा क्या, ठोको ठोको बढ़िया से ठोको भाई। यो ना मुड़ रहा मेरे से यार, ये मुड़ क्यों नहीं रहा ये। ओ यार इधर को चल चल ले यार अब, हाँ इधर को आगे लेके आ, थोड़ा ठुक गया भाई, और ठुक गया दीवार के साथ, ठोक ठोक के ला रहा हूँ। आ तो गए भाई, चलो पहुँच गए, लो भाई ले आया मैं, अब इसके ऊपर करते हैं खड़ा, इसको ट्रेन में जाएगा, मुझे लगा था शिप के अंदर जाएगा भाई ये, तो इसको इसके ऊपर लगाना है बस, ये यहाँ पर बस एंटर। अब जाना है मेरे को जहाँ पे, एक ही जगह है भाई वहीं पे चलेंगे। लो भाई लो भाई, ट्रेन के अंदर से निकले हम बाहर, अब इसको लेके जाना है बाहर, चलो निकालो। अबे म्यूजिक तो बंद कर दो, चल यार इसके ना गेयर है ना बहुत देर बाद डलते हैं, फिर भाई पीछे सही तरह निकालना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाएगा। अब सही चलाऊंगा सीरियसली, अभी तक तो मैं कर रहा था मजाकबाजी बहुत हो गई, अब मजाकबाजी बंद कर देंगे। तो इसको कहाँ ले आना है, ऊपर लेके जाना है। ओके ऊपर ले आकर पीछे से घुमाना है यार, शिप पे लेके आते ना यार, क्या ट्रेन पे लेके आए भाई, तो इसका मतलब ट्रेन चलती है स्विट्जरलैंड से भाई इंग्लैंड के लिए, और अब इसके मेरे को लगता हाँ इंग्लैंड के अंदर वो भी अपने, तो भाई अब मैं बोलूँगा यार इसको लंबे से देखो ताकि ये फंसे ना। हाँ मैं कह रहा था इंग्लैंड के अंदर भाई अपना जो ट्रैफिक है वो भी उल्टा सीधा चलता है इंडिया की तरह, तो अब मुझे रोड भी देख के चलानी पड़ेगी। लो भाई 48 किलोमीटर बचा बस, आ गए हम ट्रेन से और ले चलते हैं अब इसको।
और कितना टाइम हो चुका भाई आज? ओ भाई 50 मिनट हो चुके हैं इसको ले आते बताओ। इतनी देर तो मुझे आज तक कभी नहीं लगी। चलो पहुंचाते हैं भाई इसको। डिलीवरी बहुत ही हार्ड थी भाई, ये डिलीवरी बहुत हार्ड थी। इतनी हार्ड, इतनी मुश्किल डिलीवरी मैंने पहले कभी नहीं करी। हाँ देखो देखो देखो, और पीछे से देखते हैं इसको भाई, निकालते हैं पूरा सही सा। बस अब नहीं फंसाऊंगा भाई इसको, बहुत फंस फंसा लिए। हाँ अब तो इंडिया जैसा ट्रैफिक आ गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हम इंडिया के अंदर है मान लो। अब तो इधर से काटना ये, लेकिन भाई इंग्लैंड के अंदर ना कैमरे बहुत लगे हुए हैं जगह जगह पे। अगर आपने 50 की स्पीड से ज़्यादा, देखो स्पीड लिमिट 50 की है यहाँ पे, अगर 50 से ऊपर चला ली तो आपका चलान कट जाएगा। कैमरे छुपा छुपा के लगा रखे हैं पेड़ों के अंदर। अभी दिखाता हूँ, कैमरा आया नहीं यार, छुपा कहीं लगा होगा। मैं ध्यान यार, तू भी ठोक ठोक के जाएगा बस वाला। बस वाला तो भाई घुस गया खड्डे के अंदर। ये दरअसल बाहर निकला हुआ ना, इसका जो पहिया बाहर निकला है ना हार्वेस्टर का, ये ठोक देता बंदा, इससे बंदे ठोक रहे हैं। अब मैं क्या करूँ बताओ, मैं तो ट्रक सही चला रहा हूँ भाई, मेरे ट्रक में एक भी खरोच नहीं आया अभी तक। देखा होगा आपने मैंने कितनी बढ़िया ड्राइविंग करी है, ऐसी ड्राइविंग बताओ कौन कर सकता है। तो चलते हैं इसको लेके फटाफट सिद्धू बाजी को देते हैं। सिद्धू बाजी कहते हैं लो भाई पकड़ो। एक दिन भाई, अगला दिन हो गया देख लो, 5 बज गए, 5 बजे निकला था मैं, और आज 24 घंटे हो चुके हैं और अभी तक ट्रक नहीं पहुंचा, अभी तक हार्वेस्टर नहीं पहुंचा भाई। चलो शाम होगी, सिद्धू बाजी के साथ बैठेंगे, 2-4 लगाएंगे पेप्सी के पैग, पेप्सी पुप्सी पियेंगे उनके पास बैठ के, देखेंगे भाई साहब पेप्सी पिलाते हैं क्या पिलाते हैं। सिद्धू बाजी अपने सारे कुत्ते मेरे ऊपर छोड़ देंगे, कहेंगे काट लो हुणे इन्नू भाई, ये हार्वेस्टर बहुत लेट लेके आया। चलो भाई जो होगी सजा मिलेगी मंजूर है, क्योंकि भाई लेट हो गया मैं काफ़ी, वाकई मैं लेट हो गया। मुझे यहाँ पर सुबह पहुँच जाना चाहिए था 5-6 बजे, लेकिन अब रास्ता ही ऐसा ख़राब था और छोटे छोटे रोड हैं और ट्रैफिक ये इतना लंबा है हार्वेस्टर की, भाई मैं फंसे जा रहा था। वो लगा देखो कैमरा, वो देखो ये लगे ऊपर कैमरे दो, देख रहे हो स्पीड 50 की। लेकिन भाई मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरी यहाँ पुलिस से पूरी जान पहचान है, मेरे को कोई पकड़ नहीं सकता। निकालते हैं इसको जल्दी बढ़िया सा, हट जाओ गाड़ी लेके जा रहे तुम, गाड़ी वाले हट जा, भगा दूंगा भाई फटाफट बढ़िया सा। ये देखो सही से भाई रोड देखो, अरे भाई लगता है मलाई गिर रही है सड़कों के ऊपर मक्खन के साथ। डोवर लो भाई आ गए हम, डोवर डिस्कवर कर दिया भाई पहली बार यहाँ से मोड़नी है भाई। ये खड़े हैं इससे पहले कि चल पड़े हम निकाल लें। ओ भाई सॉरी, ओ यार मुझे लगा भाई ये यूरोप है, ये तो इंग्लैंड है। ओहो अच्छा भाई मैं बोल गया कि इसके रोड इंग्लैंड की। अरे यार चल ना यार, थक के चलते, थका हुआ है क्या? बिल्कुल बकवास ट्रक दे रखा भाई, इसके रोड ऐसे थे मैं बोल गया। ओ भाई यहाँ पे देखो गैरेज है, तो भाई लंदन के अंदर गैरेज खरीद लेंगे ये वाला, ठीक है इसके ऊपर लेके जाता हूँ, एंटर मार देता हूँ। यस खरीदेंगे भाई, क्यों नहीं खरीदेंगे। लो भाई एक गैरेज ले लिया मैंने, ठीक है। तो क्या होगा कि जब मैं अगली बार आऊँगा तो लंदन से मैं कुछ और माल उठा सकता हूँ। ले आ बाहर ले आ भाई, अंदर नहीं जाना अभी आऊँगा, थोड़ी देर बाद आऊँगा यहाँ पे। तो गैरेज खरीद लिया मैंने लंदन के अंदर भाई, पहली बार जिंदगी में। तो यहाँ पे कुछ और ड्राइवर वगैरह रख के अपने ट्रक खरीद लेंगे, ट्रांसपोर्ट कंपनी अभी अभी। ओ यार रोड, यार दिमाग के अंदर रोड अभी बैठा नहीं। तो मैं कह रहा था कि ट्रक और खरीद के और ड्राइवर किराए पर रख लेते हैं और भाई अपना काम चलता रहेगा, वो पैसे कमा के देंगे हम अपन को और अपन आराम से चैन की ज़िंदगी गुजारेंगे। चलो भाई चलो, इधर को जाना। चल भाई निकाल दे। हाँ ओ भाई पटरी के ऊपर चढ़ गया, इधर को चल। कहाँ दें यार सिद्धू भाजी, कितने थोड़ा फार्म हाउस यार, डिस्कवर रिक्रूटमेंट एजेंसी, रिक्रूटमेंट यार अंग्रेजी भी बोलनी नहीं आती सही तरह। चल भाई, एक बंदा कह रहा था भाई आपने रेड लाइट पार कर दी, मैं कहता फिर क्या हो गया, पुलिस वाले को 100 रुपये दे देंगे रेड लाइट पार करके, कौन सा बड़ा गुनाह हो जाता है। वैसे तो रेड लाइट पार नहीं करनी चाहिए, लेकिन भाई अब कर लेते हैं लोग, फिर 100-200 रुपये दे देते हैं। यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे चला रहा हूँ, लगता मेरे को नींद आ रही है अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई।
भाई देखो क्या बढ़िया रोड बना रखा है यार, बहुत ही मस्त। इस म्यूजिक ने यार सारा मजा खराब कर दिया। इस म्यूजिक से मजा खराब हो गया या मजा डबल हो गया यार, मुझे बताना जरा फटाफट। लो भाई आ गया सिद्धू पाजी का फार्म हाउस, एकर्स, एकर्स में जाना, एकर्स में। ओके एकर्स में आ गया, ले एकड़ के पास चलते हैं भाई, एकड़ के पास। एकड़ है कि आकड़ है? ये आकड़ है, आकड़ में जाना है हमें। अब ये ट्रक चलेगा तभी तो जाऊंगा, इतनी स्पीड पे चलता है कि बस पूछो मत। एक घंटा लगा दिया इसने यहाँ पहुँचते पहुँचते, बताओ कोई और ड्राइवर होता तो दो घंटे में आता, नहीं मतलब आधे घंटे में आ जाता। चलो भाई इसको मोड़ना है यहाँ से, इधर जाना है इसके अंदर। लो भाई आ गया मैं, और लो ये अपना हार्वेस्टर चुको। लो भाई पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कहाँ पे लगाना है इसको, अब लगाना भी पड़ेगा। ओ भाई ये लगाना भी पड़ेगा, 100 XP मिलेगी। ओके कहाँ लगाना भाई, वहाँ लगाना। चलो चलो फिर, अब इसको तो हटा दो। अरे यार इसको भी हटा दो ना, क्या करना है। अबे यार तू कहाँ से आ गया? अच्छा यहाँ लगाना है, ओ लो ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। म्यूजिक देखो क्या शानदार। ओ बस बस टोक मत, चल भाई ले चली दो। म्यूजिक देखो क्या शानदार आ रहा, म्यूजिक देखो क्या बढ़िया आ रहा। बस भाई एक बार सीधा कर लो जरा, थोड़ा सा जारी कट जाता है। ओके चलो अब चलो, इधर को मोड़ो, इधर को, इधर को, हाँ थोड़ा सा इधर को। ओके भाई लग तो गया। ओके बस 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 बस, थोड़ा आगे कर, बस 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 भाई माल सीधा लगना चाहिए ट्रक की, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई उतारो उतारो अपना सामान उतारो। लो भाई ये छोड़ दिया आज हमने हार्वेस्टर, भाई लेट हो गया देखो, क्योंकि भाई वहाँ पे मैं फंस गया था, उस फंसने के चक्कर में वो भाई मेरे $10,000 का नुकसान हो गया। ओ यार ओ भाई देखो लेट हो गया मैं, लेट पेनल्टी मिली, क्योंकि म्यूजिक चलता है जब तो लेट हो जाता है। लेट मैं उस ट्रैफिक की वजह, उसकी वजह से हो गया, पोल के अंदर टोल जहाँ मैंने टोल दिया था, टोल ब्रिज के ऊपर मेरा भाई ट्रैक्टर फंस गया था, ट्रैक्टर नहीं सॉरी ट्रक, तो दिक्कत हो गई थी उस वजह से भाई मेरे इतने नुकसान हो गया। चलो भाई क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। चलो भाई आज हमने पहुंचाया सिद्धू बाजी का हार्वेस्टर, न्यू हॉलैंड का, न्यू हॉलैंड CR10.90 हार्वेस्टर। ठीक है दोस्तों, ये तो आज का गेम प्ले कैसा लगा, ज़्यादा मज़ा तो नहीं आया होगा आपको, लेकिन मैंने कोशिश करी कि फुल मज़ा आए। भाई ड्राइविंग आज नहीं हुई क्योंकि भाई बहुत लंबा था ट्रेलर और मेरे को अभी एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा हार्वेस्टर के लिए। चलो फिर करेंगे अगली बार किसी और चीज़ की डिलीवरी, बढ़िया सी मज़े के साथ, अच्छी कमेंट्री के साथ। ओके फिर मिलते हैं आपसे उस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खाएं पिए स्वस्थ रहें भाई, एकदम मस्त मस्त रहें। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।